This is going to be the second class for this chapter. Okay, देखते हैं. Come on, come on, come on. हाँ, हमने यहाँ तक कर लिया था, है ना? ठीक है. So आगे बढ़ते हैं हम लोग. 1262. है ना, डीन हेलिक्स डील करेंगे आज. ठीक, और कुछ तो नहीं करना है, रिकॉर्डिंग पे डालना नहीं है, है ना? सो लास्ट टाइम हमने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया था, है ना? एक न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया था लास्ट टाइम. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड हमने बनाया था लास्ट क्लास में. ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड में हमने क्या क्या रखा था मोटा मोटी बताएंगे. दिस इज पेंटोस शुगर, है ना? पेंटोस शुगर से अटैच था यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस. ठीक है, और यहां से अटैच था फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप. कमऑन, बॉन्डिंग्स का नाम बता देंगे. इस बॉन्ड का नाम था एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो जाएगा ये, है ना? और इसको हम लोग बोल रहे थे एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, है ना? ये हो गया आपका फॉस्फो एस्टर बॉन्ड. ओके, ये आगे बढ़ते हैं. देखो कहाँ चला गया. हाँ, ठीक है, ओके. सी, यहाँ पे एक OH ग्रुप खाली था. ओके, यहाँ पे एक OH ग्रुप खाली है ना? तो होगा क्या, इस OH ग्रुप से एक फॉस्फेट ग्रुप का अटैचमेंट होता है. मतलब दिस फॉस्फेट, है ना, ये फॉस्फेट जो कि शुगर से अटैच्ड है, और ये शुगर अटैच्ड है एक नाइट्रोजनस बेस से, है ना? नाइट्रोजनस बेस से अटैच्ड है NB, है ना? तो ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से जाके अटैच होना है. ओके, 3' से जाके अटैच्ड होना है. यहाँ पे 5' है, यहाँ पे 3' है. ओके, इस तरीके से अटैचमेंट होना है, जिसके चलते है ना, यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, है ना? दूसरा न्यूक्लियोटाइड आया, नाइट्रोजनस बेस शुगर, ये फॉस्फेट हो जाएगा, है ना? तो आप देखेंगे यहाँ पे दो दो फॉस्फेट बॉन्ड हो गए. एक ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया और एक ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया. अब इन दोनों को कहा जाएगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. वहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा सर. हाँ हाँ, सेम वही प्रोसेस होना है. हम आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे थे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. इससे पहले जो हम बनाए थे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, इस एक बॉन्ड को हम लोग सिर्फ प्रोनाउंस करेंगे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड. ओके, लेकिन यदि दो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, है ना, तो दो मींस डाई, दो का मतलब डाई है, है ना? तो दो बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मींस वी विल प्रोनाउंस इट एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एग्जिस्ट व्हेन देयर इज टू न्यूक्लियोटाइड्स आर देयर. जब दो न्यूक्लियोटाइड होगा तब जाके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा. अदरवाइज इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ओनली वन एस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट. इन अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड ओनली वन एस्टर बॉन्ड इज प्रेजेंट. ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम. ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट इज जीनोम. ठीक है, जीनोम के बारे में हम थोड़ा बताते हैं. जीनोम कहने का मतलब होता है टोटल सेट ऑफ जीन. ओके, द प्रेजेंस ऑफ टोटल सेट ऑफ जीन इन अ हैप्लोइड कंडीशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म.
ठीक है, इट इज द टोटल सेट ऑफ जीन प्रेजेंट प्रेजेंट इन अ सेल इन अ हैप्लोइड कंडीशन इसी को हम लोग जीनोम कहते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग जीनोम कहेंगे। फिर से समझेंगे जीनोम का मतलब क्या है। द टोटल सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ सिंगल सेल ऑफ एन इंडिविजुअल इन इट्स हैप्लोइड कंडीशन, ठीक है। हमेशा ध्यान देंगे कि जब भी जीनोम हम लिखते हैं तो हैप्लोइड कंडीशन में ही दर्शाते हैं, डिप्लोइड कंडीशन में नहीं, ओके, हैप्लोइड कंडीशन, दैट इज कॉल्ड जीनोम। कोई दिक्कत, ठीक ना। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज सी वैल्यू, इसको सी वैल्यू भी कहा जाता है, बहुत सारे बुक में इनको सी वैल्यू से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं सी वैल्यू, ठीक है, सी वैल्यू किसको कहते हैं हम अभी बता रहे हैं और लिख लेंगे आप लोग सी वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीन, द टोटल अमाउंट ऑफ डीएनए पर जीनोम, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे सी वैल्यू, ठीक है ना। सो नाउ आई एम हियर राइटिंग द एक्चुअल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन अ सिंगल जीनोम, ठीक है, एक्चुअल में कितने जीनोम सॉरी कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहते हैं जीनोम में, वो हम अभी दर्शाने वाले हैं। ये थोड़ा ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, हाँ, द जीनोम साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर, ठीक ना, अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जीनोम साइज हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि जिक्र करेंगे हम लोग 5x174 बैक्टीरियोफाज का, तो बैक्टीरियोफाज का देखते हैं कितना है, तो इसका जीनोम साइज समथिंग अराउंड कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में है, ठीक ना, समथिंग अराउंड 5386 बेसिस, ठीक ना, बेसिस कहने का मतलब सिर्फ इतने न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक ना, इतने न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है, इसका जीनोम इतने में ही खत्म होता है, और इसके पास जो जीनोम है दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है एंड सर्कुलर है, ठीक है, व्हाट इज सिंगल स्टैंडर्ड व्हाट इज डबल स्टैंडर्ड आई विल टेल यू लेटर, ठीक है, ये हो गया 5x174। आगे देखते हैं लैम्डा फाज का कितना है, है ना, लैम्डा फाज का देखते हैं, फिर ई कोलाई का देखेंगे, लैम्डा फाज, लैम्डा फाज का एग्जिस्ट करता है समथिंग अराउंड 48502 बेस पेयर, कम ऑन, बेस पेयर, बेस पेयर कहने का मतलब होगा एक बेस ऊपर है तो दूसरा बेस नीचे होगा, इस तरीके से इसको बेस पेयरिंग कहेंगे। यहाँ पे बेसिस कहने का मतलब लीनियर होगा, सिर्फ ए टी जी सी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, बेस पेयर कहने का मतलब यदि ए है तो उसके नीचे टी भी होगा इस तरीके से। सो इट हैज हाउ मेनी बेस पेयर्स, 48502 बेस पेयर्स, है ना, और इसके पास भी जो जीनोम होना है दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होना है एंड इट इज लीनियर, लीनियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई कोलाई का, ठीक है, ई कोलाई का देखते हैं, तो ई कोलाई के अंदर प्रेजेंट रहता है जीनोम समथिंग अराउंड 4.6 × 10⁻⁶
बेस पेयर, ठीक है, दिस इज द जीनोम साइज ऑफ इकोलाई. इसके पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है एंड इट इज सर्कुलर. नाउ नेक्स्ट होता है ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन बीइंग 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर, ओके. और हमारे पास भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है एंड इट इज लीनियर. यस डीएनए है एंड इट इज लीनियर, ठीक है, ये लीनियर है, ओके. ह्यूमन बींग के पास दिस इज इन हैप्लोइड कंडीशन, हैप्लोइड कंडीशन में है ये, है ना, हैप्लोइड में. डिप्लोइड कंडीशन में, डिप्लोइड सेल में, DIPLOID, डिप्लोइड सेल ऑफ ह्यूमन हैज, ठीक ना, इसको दो से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हो जाएगा, ध्यान देंगे, ठीक है. जीनोम हमेशा हम लोग हैप्लोइड कंडीशन में ही लिखते हैं, है ना. ये टोटल डीएनए हो जाएगा, ये सॉरी टोटल बेसिस हो जाएंगे इन केस ऑफ हैप्लोइड सेल, है ना. एक सेल का ये साइज रहेगा, ठीक है. एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस न्यूक्लियस के अंदर 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स के न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है. 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स, समथिंग अराउंड 2 meters. इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 meters के आसपास आता है. समझो 2 meters का हमारा लेंथ है डीएनए का, ना, न्यूक्लियोटाइड का, और हमारा सेल 1 micron का, न्यूक्लियस और भी छोटा है, है ना, और भी छोटा है. तो उसके अंदर डीएनए को किस तरीके से हम लोग रैपिंग करते हैं, किस तरीके से रखा जाता है, उसको हम लोग को स्टडी करना है इस सेक्शन के अंदर, ओके. हटाइए, जीनोम साइज हो गया, नंबर बॉन्डिंग वगैरह हो गई, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हो गया. अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना. आप हमेशा देखे होंगे डीएनए का स्ट्रक्चर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना. तो ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म किसने दिया, इसको देने के पीछे कौन से साइंटिस्ट का हाथ था, वो सब हम पढ़ लेते हैं, ओके. डीएस डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, डीएस डीएनए स्ट्रक्चर, ठीक है. डबल स्टैंडर्ड डीएनए स्ट्रक्चर एक्चुअली में दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है. डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, लेकिन वॉटसन एंड क्रिक डायरेक्टली नहीं दे दिए, ठीक ना, ठीक ना. उनको उनको हेलो हेलो बडी हैज ऑन द गुजरा सर, ओके समबडी हैज ऑन द माइक, प्लीज ऑफ इट, प्लीज म्यूट इट, समबडी हैज ऑन द माइक, समबडी हैज केप्ट their mic on own condition, please, okay. हाँ ठीक है, ठीक है. DNA double structure, बस रहा है क्या मैं बोल रहा हूँ, double stranded DNA structure, है ना. actually में दिया था Watson and Crick ने, लेकिन है ना, is it audible now? Somebody has kept on their mic. Please mute. Amrit? No sir, Amrit. मेरा नहीं है सर. अच्छा सुनाई दे रहा है कि नहीं अच्छे से? हाँ आप सुनाई दे रहा है सर. Okay, ठीक है. Double stranded DNA structure Watson and Crick ने दिया था. ठीक है. The double stranded double helical structure of DNA was given by Watson and Crick. ठीक ना, with the help of, ठीक ना, with the help of Chargaff's rule. ये क्या होता है, चारगाप्स रूल, अभी बता रहा हूँ. विद द हेल्प ऑफ चारगाप्स रूल एंड एंड एक्सरे, है ना,
एक्सरे रिजल्ट ऑफ फ्रैंकलिन एंड ठीक है क्यूरी नामक साइंटिस्ट थी और फ्रैंकलिन है ना, इन दोनों का क्या बोलेंगे एक्सरे रिजल्ट था है ना, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन विल्किंस ठीक ना, इन दोनों साइंटिस्ट का रिजल्ट था और इन सभी साइंटिस्ट का रिजल्ट को कंपाइल करने के बाद है ना दिया गया था डबल स्टैंडर्ड और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे चारगाफ्स रूल डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज चारगाफ्स रूल? ठीक है, चारगाफ्स रूल क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं, है ना। यूरोपियन चारगाफ साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी डीएनए के ऊपर काम करा और कुछ कुछ कंक्लूजन्स निकाले थे। ठीक ना, क्या क्या कंक्लूजन्स था हम बोल रहे हैं, ठीक ना। ओके, हाँ, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ध्यान रखेंगे। दिस रूल इज एप्लीकेबल हाँ फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओनली। हाँ अमृत बोलो, डीएनए हाँ, बोलो डीएनए का डबल स्ट्रक्चर देने से पहले, डीएनए को डबल स्ट्रक्चर देने से पहले डीएनए का डिस्कवरी भी हो चुका था। डीएनए एग्जिस्ट करता है, हाँ ये पता था कि डीएनए नामक कोई चीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका शेप किस तरीके से होता है ये पता नहीं था, है ना, ये पता नहीं था। सर वो डीएनए का फाउंडर कौन है सर? डीएनए का डीएनए का क्या डिस्कवरी कौन किया था? अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स की डिस्कवरी कौन करी थी? न्यूक्लिक एसिड का डिस्कवरी तो करा था आपका, अरे यार डीएनए का पूछ रहे हैं, सेम है डीएनए, दैट इज ओनली। तो डीएनए मतलब क्या, एसिड है, इस चैप्टर का स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने। यस सर, यस याद आया? हां सर, यस सर। ठीक ना, किसने करा था? आल्टमैन ने करा था? नहीं, आल्टमैन से पहले भी एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक मिशर ने करा। ठीक ना, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक ना, इसलिए इसका नाम दे दिया गया था न्यूक्लिक एसिड, है ना। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, तो उसकी डिस्कवरी हो गई थी 1869 के आसपास। यस, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ध्यान रखेंगे चारगाफ्स रूल सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, दिस रूल क्या क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल है ना, ये रूल क्या क्या कहता है हम बताते हैं। ठीक ना, प्यूरीन बॉन्ड्स विथ पायरिमिडीन, प्यूरीन पेयर्स विथ पायरिमिडीन, ठीक ना, प्यूरीन पेयर्स विथ पायरिमिडीन, ये चारगाफ्स रूल का पहला पॉइंट है ना। नाउ एडेनिन प्लस ग्वानिन, मतलब एडेनिन और ग्वानिन दोनों कौन से न्यूक्लियोटाइड है? प्यूरीन है ना, प्यूरीन, दैट इज इक्वल टू साइटोसिन प्लस थायमिन। ओके, साइटोसिन प्लस थायमिन सेम होंगे। ओके, जितना प्यूरीन होगा उतना पायरिमिडीन होगा, राइट? ठीक है, तीसरा पॉइंट उन्होंने ये लिखा, ठीक ना, ए प्लस जी बाय सी प्लस टी इज इक्वल टू वन, है ना, ये चीज। इन्होंने एक पॉइंट और कहा था, ठीक ना, कोई भी स्पीशीज के लिए एटी बाय ठीक है जीसी रेशियो इज कांस्टेंट, ठीक ना, एटी बाय जीसी रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज, कांस्टेंट फॉर अ स्पीशीज, है ना। एडेनिन थाइमिन बाय ग्वानिन साइटोसिन, है ना, इनका एडिशन का रेशियो कांस्टेंट रहता है स्पीशीज टू स्पीशीज। ह्यूमन बीइंग के लिए इट इज मोर देन वन, ह्यूमन बीइंग के लिए होता है मोर देन वन, ई कोलाई के लिए होता है समथिंग अराउंड पॉइंट
0.54 के आसपास और 0.94 के आसपास आता है ना, एक्चुअल फिगर हम अभी बता रहे हैं, समझेंगे। एटी क्या है, एडिनिन थाइमिन है बाय ग्वानिन साइटोसिन, इसका रेशियो जो होता है कांस्टेंट रहता है स्पीशीज के लिए, ठीक है। रेशियो इज कांस्टेंट फॉर एवरी स्पीशीज, ठीक है ना। फॉर ह्यूमन इट इज 1.54, ठीक ना। इकोलाई के लिए, ठीक है, इचर्जिया कोलाई के लिए ये लगभग आता है 0.94 के आसपास आई गेस, यस 0.92, है ना। चलिए और कुछ बता दे इसमें, नहीं तो ये हो गया आपका चार गाप्स, ठीक है। चार गाप्स रूल से एक क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है, ओके। एक चीज और यहाँ पे नोट कर लेंगे, एडिनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। एडिनिन, जितना एडिनिन होगा उतना थाइमिन होगा और जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन होना है ना। और ए प्लस टी प्लस जी प्लस सी इज इक्वल टू 100%, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इक्वल टू 100%, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है, इन अ स्पीशीज सर उसमें क्या 100% सर, 100% सबको जोड़ देंगे ना, सबको यदि जोड़ेंगे तो इसका आंसर 100 आना चाहिए, 100% आना चाहिए। वो तो क्या 100% है बता रहे हैं यहाँ पे, मतलब कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है इन आर स्पीशीज, ठीक ना। इन ए स्पीशीज 14% एडिनिन इज देयर, एडिनिन इज प्रेजेंट, ठीक ना। फाइंड आउट the percentage of thymine in it, निकाल के दिखाएंगे जरा सर, वो भी 14% ही होगा। हाँ, एडिनिन 14% है यदि एक स्पीशीज में, है ना, और इस 14% का इस्तेमाल करके आप थाइमिन का वैल्यू निकालिए, ये क्वेश्चन है। टाइमिन भी तो बराबर हो गया एडिशन का, तो फिर 14% करो करके दिखाएं, आंसर बताएंगे हमें आंसर, ठीक है, आंसर कितना आ रहा है बताएंगे। 36% हाउ मच, 36% 36% ओके सर, 36 ओके आई गॉट 36% आपका आंसर आ रहा है, देखते हैं बाकी लोग का कितना आ रहा है, देखेंगे सर 14% ही होगा, 36 होगा कि 46, 14% 14 सर, 14 ओके, 14 आया, 14 आया, ठीक है, चलिए, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट ए एडिनिन इज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इज इक्वल टू guanine is equal to cytosine na, hai na. So if adenine is 14% hai na, to then adenine thymine bhi kitna ho jayega, 14% hi hoga na, simple hai, yes. Okay, come on, tell me, yahan pe thymine ki jagah pe aap cytosine ka value nikalo zara, साइटोसिन का वैल्यू निकालेंगे जरा, 36% 36 yes, होगा sir. या उससे कम होगा, 36 ही होगा, ओके ओके, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग,
ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी इज इक्वल टू 100%, इस तरीके से है ना, है ना। सो एडिनिन है 14%, ये भी हो जाएगा इतना, है ना। और मान के चलो ये दोनों बराबर होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 24 दुनी 28, है ना। आप लिखते हैं इस तरीके से 100%। तो आप क्या करोगे, जी सी, है ना, आप 100 में से माइनस करोगे 28, कितना आ रहा है, ये कितना आएगा, 100 माइनस 28 इज इक्वल टू 72 आ रहा है, है ना। और हम जानते हैं जितना सी होगा उतना जी होगा, हम ये जानते हैं। तो इसका मतलब हम सी ही निकाल ले, आप यहाँ पे 2C लिख सकते हो या 2G लिख सकते हो, है ना। तो C is equal to what, 72 by 2, that is how much, 36, ठीक है, 36%। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, सिंपल आप कर लोगे सर, आप लोग कर लोगे, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है। हाँ हाँ सर, equal to के जगह पे प्लस होता साइन, क्या क्या, equal to के जगह पे प्लस साइन होता सर, वहाँ पर A plus C होता, चारों को जोड़ना होता पे, है। हाँ, you can put no issue, यहाँ पे बोल रहे हो, हाँ हाँ, तो you can put, ठीक ना, you can put, जैसे भी सॉल्व करो, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ठीक, ओके, वन मोमेंट प्लीज। ओके, ये हो गया चारगाफ्स रूल, ठीक है, चारगाफ्स रूल से ये क्वेश्चन आता है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरे रिजल्ट, कौन रेलवे स्टेशन के बगल में है जी, कौन, अमृत, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, पापा रेलवे में है क्या, नहीं सर, घर रेलवे स्टेशन के बगल में, ठीक है, घर महंगा होगा जी तुम्हारा, था विल्किंस ने दिया था एंड फ्रैंकलिन ने, यही साइंटिस्ट का नाम लिखे है ना, गिवन बाय फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, ठीक ना। सो इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में ये कहा था कि डीएनए के स्ट्रक्चर में, है ना, डीएनए के स्ट्रक्चर में रिपीटेशन है एट द इंटरवल ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ठीक ना। क्या कहा इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी रिजल्ट के बाद, है ना, कि डीएनए के स्ट्रक्चर में एक रिपीटेशन है, है ना, और वो रिपीटेशन आ रहा है हर 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद, ओके, हर 3.4 एंगस्ट्रॉम के बाद आ रहा है, ठीक ना। दिस सेड, द रिपोर्ट सेड, देयर इज रिपीटेशन, स्पेलिंग देखेंगे, देयर इज रिपीटेशन इन द एक्सरे रिपोर्ट, एक्सरे ऑफ डीएनए एट द इंटरवल ऑफ, एट द इंटरवल ऑफ 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट, हर 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट के बाद बेंडिंग है, रिपीटेशन है, है ना, इतना ही कहा वो लोग, उसके अलावा और कुछ रिपोर्ट नहीं दे पाया, ठीक ना, रोजलिन और विल्किंस और फ्रैंकलिन ने, है ना, ओके। सो इसका मदद लेके, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का रिजल्ट लेके, एर्विन चारगाफ का रूल्स का मदद लेके, वॉटसन एंड क्रेक ने डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर डिराइव किया, है ना, ओके, विद दिस हेल्प, with the help of
of these reports, Watson and Crick derived the double helical structure of DNA. है ना, और उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने ये कहा वॉटसन एंड क्रिक सेड दैट डीएनए डबल हेलिक्स has two anti-parallel strand, anti-parallel strand, है ना? hydrogen bond present है, present in double-stranded helix, है ना? Diameter is of 20 angstrom unit. Diameter 20 angstrom unit का है, ठीक ना? ये सब उन्होंने कहा, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बना रहे हैं डबल हेलिकल और डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, ठीक ना? थोड़ा ध्यान से समझेंगे सर, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बोल रहे वही 3' टू 5' को? हाँ, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड कहने का मतलब ये, ठीक ना? इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल दिस इज शुगर मॉलिक्यूल, ओके, ये शुगर मॉलिक्यूल है. सो आपको पता है एक जगह पे OH होगा, है ना, और दूसरे पे फॉस्फेट होगा, ठीक है? यहाँ इसको हम लोग मार्क करते हैं 5' एंड, है ना? तो ये 5' एंड हो गया, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे फिर से क्या होगा, दूसरा फॉस्फेट क्या हो सकते हैं, यहाँ नहीं, इस डायरेक्शन में, यहाँ पे, है ना? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा दूसरा, ठीक है, इस तरीके से. आई एम नॉट इन मूड ऑफ ड्रॉइंग दिस, ठीक है? हम पिक्चर लेकर आ रहे हैं कहीं से, ये भी मूड नहीं कर रहा है इसको बनाने के लिए, ठीक है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम यहाँ से ला रहे हैं डीएनए का, डायरेक्ट हम यहाँ से ढूंढ रहे हैं, ओके? ये लेकर आए या फिर दिस इज बेस्ट, ये ज्यादा सही है, देख लेते हैं, या ये ज्यादा सही है. ये ज्यादा सही है, इसको रखें, इसके पहले वाला, इसको रखें, इससे पहले वाला, ये नहीं सर, इसके पहले जो दिखाए थे ये वाला, इज इट फाइन? ये सही है? यस सर. सर वो राइट साइड वाला ये दिख रहा है, ये समझ इसको समझ पा रहा हो अच्छे से? इसको समझ पा रहा हो अच्छे से? ठीक है, इसी को ले जाते हैं, ठीक है, ठीक है. दीदी हाँ, ये स्ट्रक्चर आई हैव टू ओपन दैट वन इन क्रोम. Ahem.
इट वॉज दिस ना हाँ चलिए चलिए अरे यार किस टाइम टेकिंग ये रहा ठीक है ये रहा देखेंगे ठीक है यही डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जो उन्होंने कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करी थी है ना देखेंगे दैट इज एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल कहने का मतलब एक एंड 5' to 3' होगा और दूसरा उसका ऑपोजिट। सी दिस इज 5', ये 5' है, ये 3' है, उसका उल्टा डायरेक्शन होना देखेंगे। दिस इज 3 एंड दिस इज 5 एंड। ठीक है ये समझ में आ रहा है, थोड़ा देख के बताएंगे। शुगर प्रेजेंट है, शुगर प्रेजेंट है इसमें, शुगर देखेंगे जो ब्राउन कलर का दिख रहा है दैट इज शुगर। ठीक है दिख रहा है अमृत, दिख रहा है? हाँ सर। ओके शुगर है ना, दैट इज शुगर। शुगर के साथ अटैच्ड है फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट अटैच्ड है और शुगर के साथ अटैच्ड है ये नाइट्रोजनस बेस। दिस इज नाइट्रोजनस बेस, ब्लू कलर जो बनाए हैं दैट इज नाइट्रोजनस बेस, ये रहे नाइट्रोजनस बेस। ओके है ना, और येलो से हम जो बना रहे हैं दैट इज फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट, ये रहा फॉस्फेट। ठीक है ये सब फॉस्फेट हो गए, और जो ब्राउन कलर दिख रहा है दैट इज शुगर मॉलिक्यूल्स है ना। इस तरीके से एक स्ट्रैंड तुम्हारा 3' to 5' रन करेगा और दूसरा स्ट्रैंड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स 3' to 5' है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करा जिसके चलते कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी। एडेनिन और थाइमिन के बीच में बेस पेयरिंग हो रहा है, देखेंगे यहाँ पे दिस इज एडेनिन थाइमिन, और यहाँ पे देखेंगे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में पेयरिंग हो रही है ना। यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन आता है टू न्यूक्लियोटाइड्स, ओके टू नाइट्रोजनस बेस आर जॉइंड टुगेदर बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड, सो दे आर अटैच्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रहा ये रहा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख पा रहे? एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। लेट मी मेंशन दिस, वन नाइट्रोजनस बेस पेयर्स विद अनदर नाइट्रोजनस बेस विद हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है क्वेश्चन अराइज होता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर टेढ़ा है इस तरीके से हेलिकल फॉर्म में, दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट, तो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज बिकॉज ऑफ presence of hydrogen bond, है ना, hydrogen bond के चलते है ये। ठीक है hydrogen bond के चलते है ये। so अभी हम actual structure यहाँ पे draw करने वाले हैं जो Watson and Crick ने बनाया था, popularly बनाया था, जिसके चलते उनको बहुत सारे awards भी मिले थे, है ना, इस तरीके से। ठीक है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो वॉटसन एंड क्रिक ने बनाया था। किसका आवाज आ रहा है जी? ठीक है इस तरीके से वन स्ट्रैंड रन्स 5' to 3', व्हाइल अदर स्ट्रैंड रन्स 3' to 5', इस तरीके से एंटी पैरेलल है।
है ना. ओके इसको हम लोग कहते हैं वन कंप्लीट टर्न. दिस इज कंसिडर्ड एज वन कंप्लीट टर्न, जिसको पिच भी कहते हैं. इसका डायमेंशन होता है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, है ना. ओके इसको 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट कहते हैं. और इसके बीच में, इसके बीच में 10 फेस पेयर्स होंगे. ठीक है, 10 बेस पेयर्स होंगे. सो एक बेस पेयर और दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस ऑल टुगेदर आर 10 बेस पेयर्स. यहां से लेके, ठीक ना, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस है 34 एंगस्ट्रॉम, है ना. और एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है, मतलब 20 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है, है ना. सो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स? Is coming out to be how much? अच्छा ये 34 angstrom है, sorry. This is 34 angstrom unit. ये 34 angstrom unit है, not 3.4. ठीक है, ये 34 angstrom unit है ना. इसके बीच में 10 base pairs है, तो ये हो जाएगा इसका distance कितना? 34 angstrom unit. Okay. ये रहा diameter. इसका diameter होता है 20 angstrom unit का. है ना, इसको पिच भी कहते हैं. वन पिच इज 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट. इसको नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, योर विच. ओके दिस इज कॉल्ड माइनर ग्रूव. इसको माइनर ग्रूव कहेंगे और इसको प्रोनाउंस करेंगे मेजर ग्रूव. नहीं खाएगा दोनों तो एक जैसा है. कौन खा रहा है? बाद में खाओ, अभी बंद करो माइक अपना, ठीक ना, नहीं तो हम पहुंच जाएंगे. ठीक है, दिस इज मेजर ग्रूव. सर किसको माइनर और किसको मेजर बोल रहे हैं? ठीक है, मेजर ग्रूव जो बड़ा देखे दिखेगा ना देखने में. ओके एम ए जे ओ आर, तो दोनों एक ही देखने में बड़ा होता है, ठीक ना. अभी आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में जो डीएनए स्ट्रक्चर है ना, इस तरीके से होता है. ये वाला माइनर हो गया, छोटा वाला. ये वाला मेजर हो गया, ठीक ना. माइनर ग्रुप छोटा सा दिखता है, उसमें छोटे से छोटा जगह रहता है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होते हैं, है ना. ये माइनर ग्रुप, मेजर ग्रुप. ये हो गया डबल स्टैंडर्ड. ये फिगर हो जाएगा, ठीक है, डबल हेलिकल या फिर डबल स्टैंडर्ड. डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना. वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था. सो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप लोग? बोलो. सबसे पहले दी जो अभी अस्टक जो डायग्राम ऊपर आता है, इसके बाद फिर से समझा दीजिए सर, समझ में नहीं आया. कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम? जो नहीं 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 वो जो ऊपर था. ओके ये जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम बोल रहा हूँ. ये सब डायग्राम ये वाला ना, ये सब. हाँ ये, हाँ ये जितने भी हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स बनाए थे ना, न्यूक्लियोटाइड बनाए थे ना हम लोग यहाँ पे, ये देखो लास्ट क्लास में बनाए थे हम लोग न्यूक्लियोटाइड. लास्ट क्लास मतलब ये कहाँ गया? दूसरा लेक्चर कहाँ गया? दूसरा लेक्चर तो ये है, वही लेक्चर था, वही पहला लेक्चर वही है. पहला लेक्चर है यही वाला, पिछला लेक्चर है. ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सिंगल स्ट्रक्चर देखे है ना. इसी सिंगल स्ट्रक्चर को लेके, है ना, इसी सिंगल स्ट्रक्चर को लेके हम लोग ये बनाए हैं, ठीक है. ये वाला स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है. आप कंसिडर करेंगे सिंगल स्ट्रक्चर, ये एक सिंगल स्ट्रक्चर आप कंसिडर करेंगे,
ठीक है, जो हम वहां पे बना रखे हैं आखिरी क्लास में बनाए थे, लास्ट क्लास में, एक सिंगल स्ट्रक्चर है, उसी का तरह ये भी एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ये थायमिन से जो, ओके हाँ उसी का तरह ये भी एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ये वाला है ना, उसी का तरह ये भी एक सिंगल स्ट्रक्चर है, उसी का तरह ये भी एक सिंगल स्ट्रक्चर है। तो हमने क्या किया, सारे सिंगल स्ट्रक्चर्स को एक साथ जोड़ दिए, है ना, सारे सिंगल स्ट्रक्चर को हम एक साथ जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है, एक साथ जोड़ देंगे हेलिकल स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना, इस तरीके से हम जोड़ना शुरू कर दिए सबको। तो एंटी पैरेलली हमने इसको जोड़ना शुरू करा, हमने नहीं किया, ये नेचुरली एंटी पैरेलल ही एग्जिस्ट करता है। हाँ बोलो सर, जो पिछले का जो पढ़ रहे थे कि शुगर के साथ नाइन्थ पोजीशन ऑफ प्यूरिन और फर्स्ट पोजीशन ऑफ पाइरिमिडिन जुड़ता है, वो इस तरह से वो बॉन्ड इसमें बनाया गया है। हाँ देखो थोड़ा सा हम जूम करके दिखाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखा रहे हैं इसको, देखेंगे, ठीक है, ये देख पा रहे हो स्क्रीन पे देख पा रहे हो? यस सर। हेलो, ओके, सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन पोजिशन, है ना, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा कार्बन है, ठीक है, समझ पाए ना? ओके, दिस इज नाइन्थ पोजीशन, है ना, दिस इज नाइन्थ पोजीशन। उसी की तरह यहाँ पे ये देखो, ये पहला शुगर, दूसरा शुगर, तीसरा शुगर, चौथा शुगर, पांचवा शुगर, है ना, ओके, ये रहा इसका पहला पोजीशन पाइरिमिडिन का, है ना। तो इसी तरीके से ये देखो, यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग हो रखी है, यहाँ पे ये बॉन्डिंग हुआ है बिटवीन 3, 4 and 1 and 6 पोजीशन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक ना, 2, 3 और 4 इस तरीके से। आप समझ में आ रहा है क्या कर रखा है हमने यहाँ पे? यस सर। हाँ बोलो सर, जिस तरह एडनिन का पेंटोस शुगर के साथ जो मतलब जो उसका जो कॉम्बिनेशन जैसे जो मैचिंग होता है, उसका जो पोजीशन फिक्स है, उसी तरह पाइरिमिडिन एडेनिन का जो पोजीशन जैसे थर्ड फोर्थ पोजीशन फिक्स है, वो उसी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। हाँ, पाइरिमिडिन का फिक्स है कि पहले पोजीशन से, और प्यूरिन का फिक्स है नौवे पोजीशन से, नाइन्थ पोजीशन से। एडेनिन और थायमिन का भी फिक्स है दूसरे से, क्योंकि मतलब Yes, adenine का hydrogen bonding के लिए, this is hydrogen bond, okay, this is bond, ये hydrogen bond है, okay, ये hydrogen bond है, तो hydrogen bond fix है कि जब भी होगा adenine का छठवें position होगा और thymine का चौथा position, एक hydrogen bond, दूसरा hydrogen bond होगा adenine का first position और thymine का तीसरा position, that is fixed, है ना, ये तो हो गया adenine thymine के बीच में। और यदि हम जिक्र करेंगे ग्वानिन और साइटोसिन का, तो इसमें भी फिक्स है ना, ग्वानिन और साइटोसिन का जिक्र करेंगे तो इस तरीके से रन करेगा, इसका दूसरा कार्बन है ना, इसका पहला कार्बन, इसका तीसरा कार्बन, इसका 1, 2, 6 कार्बन, इसका फोर्थ कार्बन, इस तरीके से ये फिक्स्ड है, साइटोसिन और ग्वानिन में भी फिक्स्ड है ये, ठीक है। और ये हो जाएगा नाइन्थ पोजीशन, ये हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन, है ना, शुगर का पहला पोजीशन, यहाँ पे शुगर का पहला पोजीशन, दिस इज थर्ड पोजीशन, दिस इज फिफ्थ पोजीशन, कमान आस्क पूछेंगे सर, तो नया न्यूक्लियोटाइड का एडिशन 5' पे गया या 3' पे? हाँ, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल टेल यू सर, ऊपर वाला जो बनाया उसमें सर 9th पोजीशन सर कहां से काउंट करते हुए ले गए हैं? क्या 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 बोल रहे हो? तो ऊपर वाला जो ग्रीन कलर से बनाया हुआ है ना, उसमें 9th पोजीशन जो लिखे हैं, हां, तो उसमें सर कहां से काउंट करते हुए लिखे हैं? 6 है, उसके बाद कहां काउंट किए हैं उसको, 9 पहुंचे? ठीक है, देखो यहां 6 हो गया, हां 7 हो गया,
8 हो गया, ये 9 हो गया, तो 7 वहां करेंगे सर 5 के बाद उस तरह। यस, अरे कहीं तो करना, दूसरा रिंग है ना वो, वो तो दूसरा रिंग है, कहीं पे भी करिए, दूसरा रिंग है वो। इसका मतलब ये नहीं कि 6 इधर आएगा, 5 की जगह पे 6 नहीं लिखेंगे, ठीक ना, 5 की जगह पे 6 नहीं लिखेंगे, वो उस पोजीशन पे है ही नहीं रिंग, रिंग प्रेजेंट है 4-5 वाले प्लेस पे। हाँ पूछेंगे पूछेंगे। सर डीएनए वाले स्ट्रक्चर में 3.4 एंगस्ट्रॉम आई जो लिखा वो क्या है? हाँ डीएनए वाला स्ट्रक्चर में 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट आई नहीं है, वो ए है, ये एंगस्ट्रॉम यूनिट है, ए के ऊपर पावर है, एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10^-10 एंगस्ट्रॉम यूनिट, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, ये 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। कहाँ लिखे हैं? हाँ वो जो भी सही किए सर। अच्छा एंगस्ट्रॉम यूनिट है, ए टू द पावर, हाँ ए टू द पावर डिग्री है। पिच, पिच किसको बोल रहे हैं? उसके बगल में, इसी को पिच बोलते हैं। उसके बगल में जो आई लिखो वो पूछ रहे हो क्या है? अच्छा आई नहीं है, वो डिस्टेंस दर्शा रहे, ये वाला, ये डिस्टेंस दर्शा रहे, ये डिस्टेंस दर्शा रहे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दर्शा रहे, ठीक है, इसकी दूरी दर्शा रहे। और सर बीच में क्या न्यूक्लियोटाइड है जो लाइन से बना है? अरे यार यही चीज तो है यहाँ पे, ये एक लाइन का मतलब है ये, ठीक ना, एक लाइन का मतलब है ये, एक लाइन का मतलब ये है, दूसरे लाइन का मतलब ये है, ठीक ना, एक लाइन का मतलब हम ये पूरा चीज बनाए हैं, ये पूरा चीज बनाए हैं, ठीक ना, ये पूरा चीज बनाए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है ना, इसको बैकबोन कहा जाता है, इसको जो शुगर है फॉस्फेट है इसको बैकबोन कहा जाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन कहते हैं इसको, और बीचों बीच न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है ना। इस स्ट्रक्चर को हम और अच्छे तरीके से दर्शाना चाहे तो हम दर्शा सकते हैं, देखिए यहाँ से दूसरे हैं हम यहाँ पे, ये देखो ये देख पा रहे हो, चलो इसको भी हम वहां पे लगाते हैं, यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है ठीक है, ये देखेंगे, ये देख पा रहे हो 5'3' देख पा रहे हो? यस सर। ठीक है देखो, एडेनिन से जुड़ा हुआ है थाइमिन और ग्वानिन से जुड़ा हुआ है साइटोसिन, इसी तरीके सर इसमें कहीं भी सर एडेनिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा क्या? क्या एडेनिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा? ना एडेनिन ग्वानिन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको म्यूटेशन कहेंगे, मतलब जहां भी है तो बस एटी और टीसी का ही कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ हमेशा एटी और जीसी ही रहता है, चारगाप्स रूल यही तो कहता है ना, प्यूरीन पेयर्स विद पायरिमिडीन वेयर ए पेयर्स विद थायमिन एंड जी पेयर्स विद साइटोसिन, है ना, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड और डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना, यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, किसी जगह पे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाइल हियर ओनली टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर देयर, है ना, यहाँ पर है दो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर इसी का सीक्वेंस मतलब हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है? हाँ एटीजीसी का है ना ओरिएंटेशन, यही अलग अलग होता है, थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कुछ पूछना चाहेंगे और? नहीं, एनीबडी एनीबडी कंफ्यूजन हो रहा है, पूछेंगे क्या है ये 3'5' शुगर फॉस्फेट? सी ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है ना, यही स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा इजी तरीके से बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर ये है ना, तो ये चिंता मत करिए, स्ट्रक्चर
कभी नहीं पूछेगा आपको बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, पहचानने के लिए, है ना। समझ लीजिए इसी तरीके से होता है, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है आप लोग के लिए। सर इसमें पहले एडेनिन लेफ्ट साइड से, फिर सिस्टा इसमें राइट साइड से, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। हाँ तो कहीं पे भी हो सकता ना यार, ये तो कहीं पे भी हो सकता है, रैंडमली है, वी कैन नॉट डिफाइन। देखो यहाँ पे एडेनिन यहाँ है, बाद में इधर चला गया, है ना। मतलब कि इस स्ट्रेन में कभी एडेनिन है, कभी ग्वानिन है, कभी थायमिन है, वहाँ पर फिर एक गैप है, फिर यहाँ पर एक ही साथ आ गया है। कहाँ पे? शुरू में जैसे एक एक गैप के साथ है ना सर, सब वो कुछ भी हो सकता है, ये हम निर्धारित नहीं कर सकते। इट कैन बी एनीथिंग, है ना। एक स्ट्रेन में तुम्हारा ये एडेनिन एडेनिन एडेनिन, हजार बार एडेनिन भी रिपीट कर सकता है, थायमिन 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 थायमिन, है ना। फिर बाद में फिर ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, है ना, फिर ग्वानिन साइटोसिन होगा, फिर साइटोसिन ग्वानिन होगा। वी कैन नॉट से, ये हम नहीं बता सकते। इसको जानने के लिए हमें करना पड़ता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक ना, डीएनए सीक्वेंसिंग करनी पड़ती है हम लोगों को, तब जाके हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे, है ना सर। ठीक है, तब जाके हम पता कर पाएंगे कि ये सीक्वेंस है कैसा एक्चुअली में, क्रोमोसोम नंबर 1 पे कैसा सीक्वेंस है, क्रोमोसोम नंबर 2 पे कैसा सीक्वेंस है, है ना। हर जीन का सीक्वेंस हम जान पाएंगे, और ये हम जान चुके हैं, ठीक ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान। सर जितना भी ATGC है सब सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए बात करते हैं या फिर बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए बात करते हैं? इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग वायरसेस, सभी में, ठीक है, इट इज यूनिवर्सल। ये ATGC जो है ना सभी ऑर्गेनिज्म में है, बैक्टीरिया में है, वायरसेस में है, प्रोटोजोअन्स में है, एलिफेंट में है, ब्लू व्हेल में है, ह्यूमन बीइंग में है, डॉग्स में है, बैक्टीरिया में है, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज यूनिवर्सल, है ना। वायरसेस के केस में भी यही है, ATGC। अभी हम लोग चाइनीज 19 पे रिसर्च कर रहे हैं, है ना, चाइनीज 19 वायरस जो है उसके पास भी इसी तरीके से ATGC है, है ना। मान के चलो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होगा, है ना, इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है ना, उस कॉम्बिनेशन के चलते वायरस कुछ प्रोटीन बना रहे हैं जिसके चलते हम बीमार पड़ जा रहे हैं, है ना। प्रोटीन बनाया जिसके चलते हम बीमार पड़ गए, है ना, हमें कोरोना हो गया। जैसे ही हम इसके खिलाफ कोई वैक्सीन बनाया, इस प्रोटीन के खिलाफ हमने वैक्सीन बनाया या कुछ एंटीडोट बनाया, है ना, ये करता क्या है, वायरस तुरंत म्यूटेशन कर लेगा। म्यूटेशन करने का मतलब देखो, यहाँ पे एडेनिन है ना, इसको रिप्लेस कर देगा मान के चलो ग्वानिन से, तो अगली बार ये ग्वानिन के जगह पे एडेनिन के जगह पे जीसी हो गया ना, है कि नहीं, जीसी हो गया। अब ये जीसी के चलते क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया, सॉरी पॉइंट म्यूटेशन हो गया, है ना, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। अब पॉइंट म्यूटेशन के चलते क्या होगा, अब जो पहला प्रोटीन बन रहा था वो प्रोटीन तो अब रहा नहीं, दूसरा प्रकार का प्रोटीन बनेगा, पैथोजेनिक प्रोटीन, हार्मफुल प्रोटीन। अब इसके खिलाफ वैक्सीन बनाइए, अब फिर से साल भर लगाइए, प्रोटीन डैश बनेगा उस समय, तब तक कितना आदमी मर चुके रहेंगे और कितना टाइम लग जाएगा दूसरे प्रकार का बनाने में प्रोटीन। तब तो इसका कोई उपाय नहीं है सर? नहीं, कोई उपाय नहीं है। जब तक हम लोग और वायरस को अच्छे तरीके से ना जान जाए तब तक रिसर्च चलता रहेगा, है ना, तब तक लोग मरते ही रहेंगे। HIV के केस में तो केस में यही हो रहा है ना। ठीक है, तो वेरी यूनिक टू ईच एंड एवरी स्पीशीज, टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, है ना। ये ATGC सीक्वेंस 99.99% सेम होगा। एक दोस्त दूसरे दोस्त का कंपेयर करोगे, एक आदमी दूसरे आदमी का कंपेयर करेगा, है ना, तो 99.99 सेम होगा, बट 0.01% इज डिफरेंट। ठीक है, जिसके चलते हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग पॉसिबल हो पाता है। आप CID में सुने होंगे जो SP है ब्रदीमन बोलता है ना, रखो यार इस सैंपल को DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए ले जाएंगे, बोलता है ना, फोरेंसिक में ले जाएंगे DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए ले जाएंगे। तो उस DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम DNA का जो सीक्वेंस है ना ATGC, इसी को जांचते हैं हम लोग,
एक इंडिविजुअल के अंदर कैसा है, दूसरे इंडिविजुअल के अंदर कैसा है। घटना स्थल से जो डीएनए सैंपल मिलेगा, सेल मिलेगा, उस तरीके का एटीजीसी सीक्वेंस कैसा है और सस्पेक्ट का एटीजीसी सीक्वेंस कैसा है। घटना स्थल से निकला हुआ एटीजीसी सीक्वेंस और सस्पेक्ट का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यदि सेम हो जाएगा, इट मींस वो सस्पेक्ट ही कल्प्रिट है। इट गोज लाइक दिस। आई विल टीच यू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन कमिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, और कुछ पूछना चाहेंगे? कौन पूछे इट इज देयर, इट इज यूनिक टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। सो प्रॉपर्टी ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए से क्वेश्चन आएगा। हाँ जी हाँ अमृत बोलेंगे। दूसरा मतलब इससे नहीं, दूसरा क्वेश्चन था सर। हाँ बोले, हाँ पूछेंगे पूछेंगे सर। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर सर, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हाँ इसका मतलब समझना है। न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक, नहीं नहीं एक मिनट, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये दोनों को समझना था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट पढ़ो जरा, पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्टॉप। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये है ना पहला स्टेटमेंट। पॉलीमर कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का रिपीटेशन होना, दैट इज पॉलीमराइजेशन, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। सो यहाँ पे देखेंगे दिस डायग्राम, ऑब्जर्व दिस डायग्राम, दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, this is next another nucleotide, so ठीक है, जो कलर हमने बनाए हैं येलो और ब्लू से, that is single single nucleotide, और इस nucleotide को जब हम add करते जाएंगे, means we are polymerizing, polymerization ही तो कर रहे हैं ना, polymer ही तो बना रहे हैं, so इस पूरे structure को हम nucleic acid कह रहे हैं, so nucleic acid is polymer of what, nucleotide, ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां न्यूक्लियोटाइड हो गया, है ना। इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लिक एसिड कर रहे हैं, दिस इज न्यूक्लिक एसिड, इधर डीएनए और आरएनए, है ना, पूरा स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लिक एसिड, उसके अंदर एक एक, एक यूनिट है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड। हाँ और कुछ पूछना चाह रहे थे, अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे जरा, इससे अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, है ना, अमीनो एसिड इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, उसी का तरह न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, संतोष क्लियर है? पॉलीमर होने का मतलब होता है कोई एक पार्टिकुलर चीज का बार बार रिपीटेशन होना। ओके, कोई एक पार्टिकुलर चीज का बार बार रिपीटेशन होना, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। और ये इस पॉलीमर में किस चीज का रिपीटेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ पूछना है चाहेंगे? हाँ, सेंट्रल डॉग्मा।
हेलो। हाँ जी बोलेंगे। आवाज नहीं आ रहा। बी सी जेड। ओके अभी सही है। डीएनए हेलिक्स आर ओ आर ओ फोर डिफरेंट टाइप। ठीक ना, जैसे कि डीएनए ए बी सी एंड जेड। ठीक है, डीएनए ए बी सी एंड जेड। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है डेट इज डीएनए बी टाइप, है ना। इसका जो डायमीटर है दैट इज 20 एंगस्ट्रोम यूनिट, है ना। डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रोम यूनिट। इट हैज 10 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ सिंगल टर्न। ठीक ना, 10 न्यूक्लियोटाइड्स इन अ सिंगल टर्न, ये इतना याद रखेंगे। ठीक है, बाकी सबका देख लेते हैं, बाकी दो तीन एग्जिस्ट करता उसका भी देख लेते हैं। ए वाले में 11 बेस पेयर्स रहेंगे। ठीक ना, सी के केस में रहेगा आपका 9.3 पर टर्न। ठीक, एग्जिस्ट नहीं करता, ये बना दिया गया है हाइपोथेटिकली, है ना। सो 20 एंगस्ट्रोम यूनिट इसका डायमीटर हो गया, पहले वाले का 30 एंगस्ट्रोम यूनिट होना है इसका। ओके, दिस इज टाइप ऑफ डीएनए, ये हो जाएगा डायमीटर, है ना, ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड पर टर्न। पर टर्न इन बेस पेयर। ठीक है, ओके, हाँ, ये राइट हैंडेड होना है, राइट हैंडेड टर्न, ये भी राइट हैंडेड, ये भी राइट हैंडेड, एंड द लास्ट वन इज लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, लास्ट वाला जो रहेगा वो लेफ्ट हैंडेड रहेगा, याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है यहाँ से, है ना। और हम लोग के पास जो डीएनए प्रेजेंट है दैट इज बी टाइप। 15 मिनट में करा दूंगा। लिखिए 11, वो सब क्या न्यूक्लियोटाइड्स पर, क्या है सर, क्या बोल रहे हो, क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स पर। हाँ जी, क्या बोल रहे हो, 11 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न। ठीक है, 11 न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न इन ए टर्न। इन ए टर्न कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे मैंने टर्न बनाया था ना, यहाँ पे हम 10 न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं ना, वन कंप्लीट टर्न इज 34 एंगस्ट्रोम यूनिट, हैज 10 बेस पेयर्स, है ना, 10 बेस पेयर्स है, लिखे होंगे कहीं पे हम 10 बेस पेयर्स है। ठीक है ना, सो बी में 10 बेस पेयर्स लिखे होंगे, देखोगे, और बाकी सब में ज्यादा कम होते रहता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में बी से और जेड से। ठीक ना, डीएनए जेड इज लेफ्ट हैंडेड रोटेशन, है ना, लेफ्ट हैंडेड रोटेशन होता है, न्यूक्लियोटाइड इसमें लगभग 12 होते हैं, और इसका डायमीटर पतला होता है, छोटा होता है। ठीक ना, 18.4 एंगस्ट्रोम यूनिट का होगा। जेड का डायमीटर 18.11 है क्या? यस यस, ठीक है ना, डायमीटर इतना है इसका। 11 की 4 सर। हाँ हाँ, 11 क्या बोल रहे हो, जेड का डायमीटर 18.4 है। हाँ, 18.4 एंगस्ट्रोम यूनिट, डायमीटर समझ पा रहे हो ना। ओके, नेक्स्ट पूछेंगे। पूछेंगे और ये राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड क्या है? रोटेशन, रोटेशन, जस्ट आप अपना लेफ्ट हैंड, लेफ्ट थंब रूल अप्लाई करिए और राइट थंब रूल अप्लाई करिए, तो एक दिखेगा ना, राइट हैंड साइड से रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट करते हुए दिखेगा, एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक ना, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। इसमें से सिर्फ भी ह्यूमन में फाउंड किया जाता है ना सर? अरे यार, ह्यूमन बींग में, हाँ ठीक है, चलो वो भी सही है। ठीक है, ह्यूमन बींग हैज बी टाइप ऑफ डीएनए।
ठीक ना, बाकी सब प्रेजेंट रहता है दूसरे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, है ना, छोटे माइक्रोब में, वायरसेस में, प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं, ठीक ना, पूछेगा नहीं, डोंट वरी, कि कौन से ऑर्गेनिज्म में जेड टाइप पाया जा रहा है ना, बस बी टाइप पाया जाता है ह्यूमन बींग में, इतना याद रखेंगे. ओके, नाउ एम्परल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है, गिवन बाय क्रिक, क्रिक ने दिया था सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है ना. सेंट्रल डॉग्मा कहने का मतलब होता है वन वे फ्लो ऑफ मैसेज, ठीक है ना, वन वे फ्लो ऑफ प्रोसेस इन वन वे फ्लो ऑफ प्रोसेस इन द न्यूक्लियस और जीनोम, ठीक ना. जैसे कि डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से डीएनए बनना, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग रेप्लिकेशन, है ना. डीएनए से फिर बनता है आरएनए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, आफ्टर आरएनए, ठीक ना, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे ट्रांसलेशन, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, करेक्ट. ठीक है, डीएनए से डीएनए बनना, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रिप्लिकेशन. डीएनए से आरएनए बनना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए. इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा, सेंट्रल डॉग्मा. सेंट्रल डॉग्मा हमको दर्शाता है कि डीएनए का फेथ क्या है, डीएनए प्रोसेस कैसे होता है, डीएनए करता क्या है एक्चुअली. सो तो डीएनए रिप्लिकेट करता है, ओके, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, है ना. ओके, आप सेंट्रल डॉग्मा का मतलब ये भी समझ सकते हो, और फेथ ऑफ डीएनए, फेथ ऑफ डीएनए नटशेल में लिखना चाहे, व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा, द फेथ ऑफ डीएनए इज कंसिडर्ड एज द सेंट्रल डॉग्मा, और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस इज फॉलोड बाय द डीएनए, दैट इज सेंट्रल डॉग्मा. रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है वो बता रहे, रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है. रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा वॉज गिवन बाय टेनिम एंड बाल्टीमोर, TEMIN, टेनिम एंड बाल्टीमोर, ठीक है, ज्यादातर वायरसेस के केस में होता है ये. व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, ठीक है ना, डीएनए का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, है ना. डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसक्रिप्शन, है ना. आरएनए से बनेगा प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन बनना है, और इस प्रोसेस को हम लोग प्रोनाउंस करेंगे क्या, ट्रांसलेशन, है ना. सी, आरएनए से फिर से, आरएनए से फिर डीएनए बन सकता है, कम ऑन, आरएनए से डीएनए बनाया जा सकता है, ठीक है. इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला स्टेप भी आ जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा, है ना. तो रिवर्स सेंट्रल डॉग्मा होता है वायरसेस के केस में, है ना. डीएनए से आरएनए बनना, दैट इज नॉर्मल, बट इफ द मैसेज इज मूविंग बैकवर्ड, आरएनए से यदि डीएनए बन रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो रिवर्स ट्रांसलेशन भी हो सकता है. हाँ, रिवर्स
रिवर्स ट्रांसलेशन दिस प्रोसेस इज अंडर एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट में रिसर्च प्रोसेस में इफ यू कुड मेक दिस पॉसिबल है ना, तो मान के चलिए कि बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है आगे चल के है ना, बहुत कुछ हम लोग अचीव कर सकते हैं. ओके ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे रहे हैं, वी डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट. ओके वी डू नॉट हैव फोटोसिस्टम वन फोटोसिस्टम टू. ओके वी डू नॉट हैव द जीन फॉर जीन टू सिंथेसिस आरयूबीपी है ना, तो आरयूबीपी के अंदर जो प्रोटीन है अमीनो एसिड से ही बना होगा है ना, उस अमीनो एसिड को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इन अमीनो एसिड्स को कौन सा कोडन कोड कर रहा है, उसी का तरह हम क्या करेंगे एक एमआरएनए डिजाइन कर लेंगे है ना, और उस एमआरएनए के अनुसार हम डीएनए डिजाइन कर लेंगे और उस डीएनए को हम अपने सेल में डाल देंगे, तो हमारा सेल भी आरयूबीपी सिंथेसाइज करना शुरू कर देगा, तो हम भी धूप में खड़े हो जाएंगे, हम भी फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे भोजन लेने की जरूरत नहीं है बाहर से ना. सो इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है अभी है ना, क्या हम इस मैसेज को बैकवर्ड फ्लो करवा सकते हैं क्या है ना, ये प्रोसेस तो होता नहीं है नेचुरली, आर्टिफिशियली हम लोग को करना पड़ेगा एमिनो एसिड का सीक्वेंस जान के. ठीक है आगे ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. इन नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स मोटा मोटी सुन ले होता क्या है इस टॉपिक का मतलब. पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स एस आई हैव टोल्ड यू ठीक है ना, वी हैव द जीनोम ऑफ 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स इन हैप्लोइड कंडीशन ठीक ना, और 6.6 × 10⁹ बेस पेयर इन डिप्लोइड कंडीशन है ना, डिप्लोइड कंडीशन में 10⁹ बेस पेयर्स है. यदि इसको हम मीटर में कैलकुलेट करना चाहें तो समथिंग इट विल कम आउट टू बी समथिंग अराउंड 2 meters. नाउ टेल मी 2 meter डीएनए लेंथ का 2 meter लेंथ का डीएनए को हमें न्यूक्लियस के अंदर प्लेस करना है. न्यूक्लियस कितना छोटा सा है, 1 micron का है और टोटल डीएनए लेंथ है 2 meter का, तो हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे इस डीएनए को तो न्यूक्लियस के अंदर आ जाए. न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ पैक्ट ही ना रहे, फोल्डिंग ही ना रहे, वो खुले भी उसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन हो, उसके ऊपर ट्रांसलेशन प्रोसेस भी हो सके, तो हमें इस तरीके से पैक करना होता है कि वो खुल भी जाए, उस पर प्रोसेस भी हो, फिर से वो बंद हो जाए, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना ले है ना. तो इस डीएनए को फोल्ड करने वाले प्रोसेस को ही कहा जाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है ना, इस फोल्ड करने वाले प्रोसेस को ही कहा जाता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स है ना. तो डीएनए बिंग नेगेटिव चार्ज है ना, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, बताया था क्यों है, क्योंकि फॉस्फेट के पास नेगेटिव चार्ज है ना, डीएनए नेगेटिव चार्ज है, तो हमें एक पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल चाहिए जिसके चलते पॉजिटिव अपोजिट अट्रैक्शन अट्रैक्शन हो है ना, अपोजिट पोल्स के चलते एक अच्छा अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो और एक प्रॉपर बाइंडिंग फोर्स क्रिएट हो जिसके चलते ये फोल्डिंग रैपिंग स्ट्रॉन्ग हो है ना. तो ये सब करा जाता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. ओके हिस्टोन प्रोटीन सुने होंगे आप लोग क्लास 11 में सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में बताया था मैंने, जब हम डिफरेंस कर रहे थे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, बताए होंगे यूकैरियोट्स हैज हिस्टोन प्रोटीन्स while prokaryotes do not have histone proteins hai na, that is it has polyamines positively charged amino acid polyamines hote hain jiske upar dna ki wrapping hoti hai hai na.
सो अगले क्लास में हम डील करेंगे कि किस तरीके से रैपिंग करी जाती है, फोल्डिंग करा जाता है डीएनए का, ताकि वो एक छोटे से स्ट्रक्चर में बैठ सके. ठीक है, आज का क्लास से किसी को डाउट? ये देखो प्रॉब्लम करने लगा. आज का क्लास से किसी को डाउट है? आशुतोष? नहीं सर. नहीं है? ठीक ठीक है. और किसी को? और कौन कौन लोग हैं? मेरे को पता भी नहीं है कौन लोग क्लास ज्वाइन करा है. ओके, ये थोड़ा देख के बताएंगे कि नोट्स कितना तक आया है. क्लास 12 मेडिकल. मेरे को फॉरवर्ड करना था. देख के बताएंगे जरा कितना छुटा हुआ है इसमें. ठीक है, देख के बताओ जी कितना छुटा हुआ है, कितना स्क्रीनशॉट भेजे हम. सेंट्रल डॉगमा से भेजना पड़ेगा. सेंट्रल डॉगमा आया है? नहीं सर. नहीं आया. ठीक है, सेंट्रल डोगमा का मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ यहाँ पे. सेंट्रल डोगमा नहीं आया. इसके ऊपर तक आ चुका है ये वाला डीएनए हेलिक्स आर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स आ रखा है ये. हाँ सर. ठीक है, सेंट्रल डोगमा का मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ. ठीक है, यू कैन साइन ऑफ. आप लोग साइन ऑफ कर सकते हैं. ठीक है, मैं भेज रहा हूँ नोट्स. Thank you.